दोस्तों क्या आपने 12th फेल मूवी में ये चीज नोटिस करी, जब मनोज एंड श्रद्धा एंड सब फ्रेंड मिलकर ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे होते हैं, शायद तुमने इस सीन में नोटिस किया होगा, इनके पीछे जो कपल बैठा है एक्चुअल में ये रियल वाले मनोज एंड श्रद्धा हैं, ये तो कुछ भी नहीं। जब मैंने 12th फेल मूवी को 0.25 की स्पीड से देखी तो 20 ऐसी डिटेल्स देखी आई थिंक तुमने मिस कर दी होगी। तो चलिए जान लेते हैं इन डिटेल्स को। वेल, मैं हूँ किशोर और आप देख रहे हैं थिएटर वाला रिव्यू। तो गुरु होते हैं शुरू। इस वाले सीन में जब मनोज चीटिंग कर रहा होता है तभी वहां पर दुष्यंत सर आ जाते हैं, एंड जब दुष्यंत सर प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं तो आपने शायद साइड में लिखे इस नोट को नोटिस नहीं किया होगा, जहां पर लिखा होता है उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, जो कि मूवी की स्टोरी को इनडायरेक्टली हाईलाइट कर रहा था। एंड अगले ही सीन पे एक और वॉल पर नोटिस कर सकते हो जिस पर लिखा होता है जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ये भी मूवी को इनडायरेक्टली हाईलाइट कर रहा था। जैसा कि हम जानते हैं मनोज की लाइफ में कितनी कठिनाइयां थी, फिर भी वो IPS बन चुका होता है। अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है इस फोटो को, आप नोटिस कर सकते हैं विकास दिव्यकृति सर को, जिनके बारे में बताने की शायद जरूरत नहीं होगी, इन्हें सब लोग जानते हैं एंड ये अक्सर यूट्यूब पर दिखाई देते हैं IAS एंड IPS की कोचिंग देते हुए, एंड ये कई सारे मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। एंड हमने 12th फेल मूवी में देखा भी है कि मनोज जिस कोचिंग में पढ़ने जाता है ये उसी कोचिंग में टीचिंग कर रहे होते हैं। अब ये रियल को डायरेक्टर ने बड़े ही खूबसूरती से फिल्म में उठाकर डाला है। एंड इस वाले सीन में मनोज पहुंच जाता है श्रद्धा के घर, एंड वहां श्रद्धा के सारे अवार्ड देखने लग जाता है। एंड यहां पर हम अवार्ड को नोटिस करेंगे तो ये अवार्ड सिंगिंग कॉम्पिटिशन में मिला होता है, एंड ये सीधा सीधा कनेक्ट होता है इस वाले सीन जब सारे के सारे ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे होते हैं, तो यहां पर मनोज श्रद्धा को एक गाना गाने के लिए कहता है, यानी कि मनोज को पता होता है श्रद्धा गाना गाती है इसलिए उसने उसे गाना गाने के लिए कहा था। एंड अगले ही सीन में जहां पर गौरी भाई फेल हो जाते हैं और दीप मोहन पास हो जाता है तो सब लोग दीप मोहन को अप्रिशिएट करते हैं, एंड यहां पर उसी लड़की को देख सकते हैं जिसकी कोचिंग में मनोज गया था पढ़ने के लिए, और यही लड़की मनोज के पास भी आती है जब मनोज IPS बन जाता है लास्ट में। तो दोस्तों यदि आपने 12th फेल मूवी पूरी देखी है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने मनोज के दादा को कहीं नहीं देखा होगा। जिन जिन लोगों ने देखा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कहां पर, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मनोज के दादा को कहां दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे। एंड इस वाले सीन में जहां मनोज बैठा होता है अपना मेंस क्लियर करके इस फोन के पास, तो यहां पर आप शीशे पर नोटिस करोगे तो लिखा होता है हारा वही जो लड़ा नहीं, यानी कि इतना तगड़ा रेफरेंस होता है टाइमलाइन का जब मनोज ने हार नहीं मानी और अपना मेंस क्लियर कर लेता है। दोस्तों यदि आपको इस सवाल का जवाब है तो जरूर बताना, मनोज की असली मदद किसने की थी? क्या वो प्रीतम पांडे था जो उसे पहली बार मिला और उसे लेकर गया दिल्ली, या फिर दुष्यंत सर थे जिनसे मिलके चीटिंग छोड़ उनसे इंस्पायर्ड होता है, या फिर श्रद्धा जिसने मोटिवेशन दी मनोज को अपना IPS क्लियर करने के लिए, या फिर गौरी भैया जिन्होंने क्लियर कह दिया था कि तू बस पढ़ाई करेगा बाकी सब मैं संभाल लूंगा, या फिर वो इंटरव्यूअर जिन्होंने लास्ट में सोचा कि ऐसे बंदे को एक मौका जरूर देना चाहिए। तो अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा दोस्तों क्या आपको मनोज के दादाजी का नाम पता था इस मूवी में? कहीं तो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। तो इस वाले सीन में इस घाट के नीचे इस बक्से पर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है राम स्वरूप दास शर्मा सूर्यदास। इस वाले सीन में जब मनोज की दादी मनोज को बुलाती है कुछ पैसे देने के लिए, तो यहाँ पर इस बक्से में आप मनोज के दादाजी की फोटो को नोटिस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोज के दादाजी थे वो रिटायर थे आर्मी से, एंड यहाँ पर फोटो को देख कर क्लियर लग रहा है ये आर्मी मैन का ही फोटो है। एंड एक फैक्ट की बात बता दूं, ये रियल फोटो है मनोज के दादाजी का। इस वाले सीन में जब दादी मनोज को पैसे दे रही होती है तो इन पैसों को नोटिस करोगे तो ये काफी पुराने नोट लग रहे हैं, तो जैसा मूवी की स्टोरी भी उस जमाने से बिलोंग करती है तो यहाँ पर उतने ही पुराने नोट को दिखाना तो बनता ही है, इसी से हमें टाइमलाइन एंड डिटेल्स इंटेंशन को और भी दिलचस्प बनाती है। अब इस वाले सीन में फिर से देखोगे तो जब दुष्यंत सर अंदर आ रहे होते हैं क्लास में, तो उनके पीछे एक पुलिस वाले के हाथ में एक कैमरा को नोटिस कर सकते हो, जो कि वही कैमरा होता है जो इस वाले सीन में देखने को मिलता है जहां पर प्रिंसिपल दुष्यंत सर को रिश्वत देने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट वाले सीन में जब दुष्यंत प्रिंसिपल सर से बात कर रहा होता है तो यहां पर तुम इस दीवार पर लगे इस कैलेंडर को नोटिस करोगे तो इस कैलेंडर में मार्च का महीना होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं वो फेब से मार्च के बीच में ही होते हैं, तो ये काफी अच्छी अटेंशन डिटेल थी इस मूवी के अंदर। बट यहीं पर हम एक मिस्टेक भी देख सकते हैं, इसी वाले वॉल पे जो घड़ी लगी होती है उस पर 10:30
बज रहे होते हैं, लेकिन दुष्यंत सर के हाथ में जो घड़ी है उस पर 10 बज रहे होते हैं। एनीवे, इस वाले सीन में मनोज का दोस्त रिकॉर्डिंग कर रहा होता है चंबल नदी की, जिसमें कहता है भाई ये है चंबल। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी को गौर से देखा होगा तो ये स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये है चंबल, यानी कि ये क्लियरली शोकेस करता है कि मूवी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर जाकर खत्म हो जाती है। मतलब कि डायरेक्टर ने कितना फिनिशिंग टच दिया है मूवी में, एक लाइक तो बनता है, मतलब कि क्या बांध कर रखा है स्टोरी वाइज एंड डिटेलिंग वाइज। तो भाई लोगों, मेरे जैसे लोंडे इस मूवी के ऊपर डिटेलिंग वाली वीडियो ना बनाए तो ये चीज तो मिस हो जाएगी ना। तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।